के मैदान से खबर यह है कि वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए मैनेजमेंट का ऐलान हो गया है। हसन सरदार टीम मैनेजर, तौकीर डार हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि रेहान भट्ट और दानिश कलीम मुआवन कोच होंगे। पीएचएफ ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अकील से। बिलाल, आगाह कीजिएगा और किन किन लोगों को ओहदे दिए गए हैं। जी बिल्कुल है, जिस तरह से आलमी हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक भारत में मुनाकिद होने जा रहा है, उस हवाले से आज जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो हसन सरदार टीम के मैनेजर, जबकि तौकीर डार जो है वो कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो दानिश कलीम और रेहान भट्ट हैं, उनको मावन कोच की हैसियत से वो अपने फराइज जो है वो सर अंजाम देंगे। और एशियन ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अभी ये पाकिस्तान का जो है वो दूसरा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आलमी हॉकी वर्ल्ड कप है, बड़ा टूर्नामेंट है, और इसमें जो है वो तौकीर डार आज जिन्होंने पहली ज्वाइनिंग दी है कैंप के दौरान, देखना होगा कि उनकी उनकी उसमें कोचिंग में टीम जो है वो कैसा परफॉर्म करेगी। ठीक है, वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए मैनेजमेंट का ऐलान हो गया है, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे बिलाल अकील, शुक्रिया आपका।